हाँ जीरो आएगा। फॉर्मूला लगाओ सीधे सीधे, उसमें भाई के इक्वल्स टू सी प्लस 273 होता है। ठीक है, हमने कहा कि के की वैल्यू दी हमने 273 केल्विन और निकालना है सी, तो सी इक्वल्स टू के माइनस 273 हो जाएगा, तो जीरो तो आ ही जाएगा। यस अब देखो चलो टॉपिक पर आते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। परसों जो है मैंने क्या बताया था, परसों मैंने ये बताया था कि लेटेंट हीट क्या होती है। मैंने पूरा उसका फॉर्मेशन बताया था कि जब कोई भी स्टेट चेंज होती है हमारी, तो स्टेट चेंज के दौरान जो भी हम एनर्जी दे रहे होते हैं बर्नर से या जैसे भी, तो वो जो एनर्जी खर्च होती है वो उस स्टेट चेंज के दौरान मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करने में खर्च होती है। अगर मान लो आइस से वाटर में अगर जा रहे हैं तो उसमें क्या खर्च समझ नहीं आ होगी? रही है। देखिए हेलो, हेलो, आ रही है आवाज? अरे यार क्या आपकी हो, वॉइस नहीं आ रही। क्या हो गया आज? इसमें तो हमारा पूरा सब सही दिखा रहा है, नेटवर्क भी ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आकाश मैं पापा से पूछो, ऐसा पापा मोबाइल तो नहीं चला रहा? अरे यार जब वीडियो को चलाते हैं ना मैक्सिमम नेटवर्क डाउन, क्योंकि पूरी आवाज नहीं आ रही सबकी। ये तो देर इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। अरे यार स्पीकर और इंटरनेट में डिफरेंस रहता है। हेलो, आवाज आ रही है जानसी? यस सर। ठीक है, आप तो कोई दिक्कत नहीं ना आवाज में? हेलो, नो सर। ठीक 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 नो सर। ठीक है। यस सर। चलो फिर एक बात ये देखो कि जो मैंने कहा था कि स्टेट चेंज के दौरान मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, जैसे कि अगर मैंने बर्फ ले ली है उसको गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बर्फ जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब स्टेट चेंज करती है तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनता है, यानी कि उसमें क्या रहता है कि चेंज नहीं होता है, वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो भी एनर्जी देते हैं मॉलिक्यूल को दूर करने में लग जाती है। अब इसके बाद ध्यान दें कि मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ आइस कह सकते हैं, तो उसका मतलब ये था कि आइस से वाटर में कन्वर्ट करोगे या वाटर से आइस में कन्वर्ट करोगे, तो ट्रांजिशन के दौरान जो भी एनर्जी का जो है रिप्लेसमेंट होगा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ आइस। मान लो कोई अदर मटेरियल की बात कर रहे हो मेल्ट हो रहा है, तो वहां पर फिर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग बोलेंगे। मान लो पानी की बात कर रहे हो तो वहां पर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोलेंगे, सॉरी आइस बोलेंगे, जनरली वही बोला जाता है। और अब देखो आगे बात करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने बताया था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कब होता है, जब वाटर से स्टीम में या स्टीम का वाटर से, यानी कि कोई भी लिक्विड मटेरियल है वो गैसेस स्टेट में या गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब चेंज होता है, तो उस दौरान कन्वर्जन में जो हीट जो रिलीज होती है या वो एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जब ऊपर जा रहे होते हैं, ऊपर जाने का मतलब ऊपर की स्टेट जा रहे होते हैं, जैसे कि वाटर से मान लो स्टीम में जा रहे होते हैं,
तो वाटर से जब स्टीम में जा रहे होते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि जो भी मटेरियल है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ध्यान रखना जो भी है वो एब्जॉर्ब करेगा। हेलो, ठीक है। अब क्या है कि जब लेकिन स्टीम से वाटर में आते हैं तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है कि वो एनर्जी रिलीज कर देता है, वो एनर्जी रिलीज कर देता है, यानी कि वापस मिल जाती है उतनी ही एनर्जी। तो ये अमाउंट तो सेम रहता है कन्वर्जन के दौरान, लेकिन प्रोसेस उल्टा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और बहुत ज्यादा होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद मैंने उस दिन मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को अगर मान लो छूते हैं तो उससे इतनी दिक्कत नहीं होती है जितना कि उसकी स्टीम से होती है। मम्मी जो है खाना जब खाने जा रहे हो तो मम्मी जो है रोटी बढ़िया से फूली हुई रोटी लाती है तो रोटी की हवा निकाल देते हो पहले ही, ठीक है, और धोखे से अगर उसकी हवा जो है अगर तुम्हारे हाथ में लग जाती तो हवा बहुत तेज गर्म होती है, जबकि रोटी से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? हेलो सर। हाँ सर, वो अंश कह रहा है कि मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो कह रहा सर से, मतलब मेरी वॉइस सर के पास नहीं जा रही है। अरे तो ये वीडियो तो जा रहा है ना, पता नहीं कहीं रहा था। हाँ दो गई, क्या कह रहे हो? रिकॉर्डिंग करा। जानसी क्या कह रही हो? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अल्लो थोड़ी देर रुक जाओ, भी होगी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती ना। ब्लैक आ रहा है पूरा बिल्कुल। भाई देखो ऐसा है, अभी 17 तारीख से देखो हम बुलाना चालू कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हेलो, यस सर। तो भैया अपना सभी लोग अपना घर में बात कर लें, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो उतनी तेजी से पढ़ाई नहीं हो पा रही है जितनी तेजी से हम चाहते हैं, यस। तो इसलिए अपना 17 तारीख से भैया देखो मैक्सिमम चीजें खुल जाएंगी, आराम से यहाँ पर आ सकते हो। अभी देखो 10th वाले आना चालू हो गए हैं, ठीक है, और 11th वाले भी कह रहे हैं 2-3 दिन में वो भी शायद आने चालू कर दें, 12th में भी आने लगे हैं, ठीक है। और बाकी जो है अगर किसी को घर में प्रॉब्लम है तो भैया 17 तारीख तक चलो कोई बात नहीं, लेकिन 17 तारीख के बाद भैया अपना बात कर लेना, चाहे जैसे अपना आए छोड़ने आ जाए, ठीक है। सभी लोग सुन लो अपना, क्योंकि ऐसे ये नुकसान ही हो रहा है और कुछ नहीं पढ़ाई का, ठीक है। झलक, झलक, यस सर, सुन लिया ना? यस सर, ठीक। संचिता, यस सर, तुम्हारा घर कहाँ है? सर डिप्टी पढ़ाओ। डिप्टी पढ़ाओ कहाँ पढ़ता है? सर लक्ष्मीपुरवा। लक्ष्मीपुरवा कहाँ पढ़ता है? सर देवनगर। देवनगर कहाँ पढ़ता है? आफिम को पहले। अच्छा उधर, सर हम दोनों वही रहते हैं। कौन दोनों? सर हमारा संचिता। ये कौन बोल रहा था? पलक बोल रही थी। यस सर। संचिता भी वही रहती है? यस सर। संचिता तो कह रही थी यहाँ रहती है अगल बगल। अरे हम दोनों साथ में घंटा घर के पहले रहते हैं ना। अच्छा तो वहां से कैसे जो है स्कूल आना होता है? सर टेम्पो लगा हुआ है दोनों का। अच्छा
साथ में आते हैं। हम्म, सर लेकिन इतनी दूर आएंगे कैसे, रिक्शा पता नहीं मिलेगी कि नहीं? नहीं तो घंटा घर के पहले तो जाने ही नहीं देंगे। चलो अभी देखते हैं, अभी बताते हैं कोई उपचार, अभी तो माहौल देखते हैं सत्ताधर की बात क्या होता है, कैसे होता है, परिवहन चालू होता है कि नहीं होता है, कैसे क्या, वो हम बता देंगे। ठीक है ना, कोई ना कोई तो उपचार निकाला जाएगा। ठीक है, तो अभी ये बताओ कि ये लेटेंट हीट समझ में आ गई सबको? यस सर। पलक? यस सर। संचिता? यस सर। ठीक है, अनुभव? झलक? हैप्पी? यस सर। ठीक है, तो आप सब्लिमेशन की बात करते हैं। जैसा कि सब्लिमेशन के बारे में सबको पता है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होती हैं जो हीट करने पर सीधे जो है सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे कौन कौन से सब्सटेंस है, ये एक तो अमोनियम क्लोराइड सप्लीमेशन दिखाता है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होता है और वो सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कौन सा सब्सटेंस है, सॉलिड आयोडीन। सॉलिड आयोडीन को जैसे ही गर्म करोगे वैसे ही सीधे आयोडीन वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे शोज में देखा होगा, हाँ कैम्फर में भी है, और जैसे शोज में होगा ये शोज देखे होंगे जहां पर डीजे वगैरह लगते हैं, अब तो खैर नहीं होता ये, लेकिन ज्यादातर जगह क्या होता है जहां बड़े बड़े शोज होते हैं उसमें स्टेज पे क्या है, धूल वगैरह धुआं वगैरह उड़ाते हैं, देखा होगा। यस सर। धुएं के बादल पूरे छा जाते हैं उसमें। ठीक है, और जो पुराने प्रोग्राम में रामायण वगैरह में या जो भी चीजें उसमें जब स्वर्ग की शूटिंग होती तो उसमें क्या करते, नीचे धुआं उड़ा देते थे, पूरा धुएं में शूटिंग होती थी। तो ये जो धुएं वाला कॉन्सेप्ट है ये यही है, सीधे सॉलिड को गर्म करते हैं सीधे वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें जैसे अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ऐसे सब्सटेंस है जो सब्लिमेट हो जाते हैं, जिनका सब्लिमेशन होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें? No, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी आइस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विड में कन्वर्जन नहीं होता है, उसको जैसे ही अगर हम थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। किसी ने लिक्विड नाइट्रोजन देखा है? लिक्विड नाइट्रोजन और किसी ने नहीं देखा? लिक्विड, हाँ लिक्विड नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया चीज है बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन दरअसल मंगाना पड़ता है, ऐसे नॉर्मली नहीं मिलता है। लिक्विड नाइट्रोजन इतना बढ़िया प्रोसेस है, बढ़िया चीज है कि जैसे एक लिक्विड नाइट्रोजन आपको दिखेगा लिक्विड की तरह, पानी की तरह दिखेगा, उससे धुआं निकलता रहता है, पहली बात तो ये। और लिक्विड नाइट्रोजन में अगर कोई भी जैसे फ्लावर डाल दिया, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, तो इतना जल्दी एक सेकेंड के अंतर्गत ही इतनी जल्दी अंदर से लेकर बाहर तक पूरा जम जाता है कि उसको, जैसे फ्लावर है, फ्लावर को तुमने डाल दिया उसके बाहर निकाला, उसमें पूरी बर्फ जम जाएगी, और उसको जैसे ही तुम उसको हाथ से मसलोगे तो क्या होगा, पूरा जैसे कि वो पत्थर का था, जैसे बारीक पापड़ी का था, इस इतना ज्यादा जम जाता है कि वो क्रैक होने लगती चीजें। और अगर हाथ को डाल दोगे तो हाथ में भी बिल्कुल सेम इफेक्ट आएगा, इतना ज्यादा ठंडा है वो कि जैसे ही उंगलियों को तुमने डाला और बाहर निकाली और उंगलियों को दूसरे हाथ से दबा दिए तो चकनाचूर होके नीचे गिरेंगी। लेकिन घर में ट्राई ना करना कोई। संचिता,
हाँ घर में ट्राई ना करना, लिक्विड नाइट्रोजन बहुत खतरनाक है जानसी। मैं ये बता रहा था लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में बता रहा था कि जैसे लिक्विड नाइट्रोजन है उसको भी नाइट्रोजन को लिक्विफाई करके करते हैं ना, तो इतना ज्यादा लो टेम्परेचर करते हैं तब जाके लिक्विड नाइट्रोजन बन पाती है, ठीक है। और लिक्विड नाइट्रोजन बहुत खतरनाक भी है, ठीक है, कोई भी पार्ट में नहीं पड़ना चाहिए, बॉडी के किसी पार्ट में भी, क्योंकि तुरंत वो स्किन हटा देगा, इतना ज्यादा जम जाती है स्किन, वो पत्थर बिल्कुल हो जाती है। और फ्लावर को भी जैसे डालते हो तो फ्लावर को बाहर निकालो तो बारीक चूरा बन जाती है अगर उसको हल्का सा मस्त हो तो ये इतना ज्यादा ठंडा होता है कि सब चीजों को जमा देता है। तो ऐसा टेम्परेचर नॉर्मली मिलता नहीं है, ठीक है, फिर भी आगे भविष्य में क्या हो। आज की नई खबर पढ़ी किसी ने पेपर में? अर्थ के रोटेशन में कमी आ रही है, करीब 37 सेकंड का टाइम कम हो गया है। जैसे हमारा जो 24 घंटे का जो अंतराल था घूमने का, अब उसमें 37 सेकंड माइनस कर दो, और धीरे धीरे कमी ही होती चली जाएगी, क्योंकि कब तक आखिर रोटेट होगी। हालांकि बहुत ज्यादा साल तक रोटेट होगी, अरबों साल तक मेरे ख्याल से, तो ये नई न्यूज है। और ये भी मालूम होगा कि अर्थ की जो रोटेशन एक्सेस है उसका जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, यानी कि अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये भी सुना होगा, सुना है, पढ़ते ही नहीं है न्यूज चैनल, पेपर में चीजें निकलती, नई नई नॉलेज निकलती है, साइंस ये सब लेना ही नहीं है, साइंस के स्टूडेंट बने फिरे हो, बस कॉपी में लिखा दे हो, हम पेपर में लिखिया है नंबर मिल जाएंगे, बस ये काम है। क्यों सभी लोग का ये कोई सीखना तो चाहता ही नहीं है, अरे जानकारी रखो भैया, साइंस के स्टूडेंट्स हो, साइंस और टेक्नोलॉजी स्पेस और ये सब तो जानकारी होनी चाहिए भैया, हर हालत में होनी चाहिए। हाँ आज उसकी फोटो भी निकली है चिक्की की, नहीं सर गौरी की। अच्छा गौरी की, पता ही नहीं चलता चिक्की कौन है पिक्की कौन है। हाँ और आज प्रवीण सर के भाई के लड़के की फोटो निकली उसमें लास्ट में। चलो खैर अब चलो जरा नई चीज देखते हैं। अभी तक हमने टेम्परेचर के चेंज के बारे में देखा पलक और संचिता, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, यानी कि जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तब क्या इफेक्ट देता है। एक बात मुझे कोई बता दे, बचपन में सबने साइंस पढ़ी है ज्योग्राफी पढ़ी है, ये जो नीचे फ्यूल बनता है जिसको कहते हैं तेल के कुएं, ये कैसे बनते हैं कोई बताएगा? क्या सर? संचिता मुझे बता सकोगी कि जो नीचे जो क्रूड ऑयल मिलता है हमें, कोयला भी मिलता है और बहुत सारी चीजें ऐसे नीचे ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं, वो कैसे बन पाती हैं? और हीरा भी मिलता है, इसके बारे में कोई भी नॉलेज है? शायद कभी पढ़ा हो कुछ, नहीं पता पलक सर? ड्रिल मशीन से? नहीं ड्रिल मशीन वो एक अलग बात है, लेकिन नीचे बनता कैसे है? पलक संचिता दोनों में से कोई भी, नीचे बनता कैसे है? जो डार्क ब्लैक में जो ऑयल निकलता है
और वो सब जो नीचे भरा रहता है वो कैसे बन जाता है, डायमंड कैसे बनता है? अनुभव यस सर क्या होता है? मेरे भी दिमाग में ड्रिल मशीन वाला आइडिया था। तुम्हारे दिमाग में ड्रिल मशीन चली गई? अरे नो सर। अच्छा ना मेरे दिमाग सर, ड्रिलिंग तो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाएगा। हाँ ड्रिलिंग तो मतलब ये है ना कि उससे तो क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, बनता कैसे? ड्रिल तो केवल एक्सट्रैक्ट करना भाई, ड्रिल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ही ठीक है। और हीट कैसे होता है? नीचे कोई हीटर तो लगा नहीं? यहाँ पर देखो चेंज ऑफ प्रेशर काम करता है, प्रेशर ही बहुत कारगर है यहाँ पर। होता क्या है, अब जैसे रामायण की बात हम कर लेते हैं, रामायण का तो मुश्किल से 7000 साल पहले का इतिहास है, 7000 साल पहले रामायण का पूरा है कि 5000 ईसा पूर्व जो है राम जी का जन्म हुआ था दोपहर 12 से 2 के बीच। तो वहां पर भी रथ वगैरह सब मिले हैं लेकिन बहुत नीचे मिलते हैं जमीन के। लेकिन अब सोचो कि हजारों साल पहले और जो सभ्यता रही है, बहुत पुरानी पुरानी सभ्यता रही है, पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वो सब जब खत्म हो जाते हैं, जंगल जो थे, मान लो कोई ऐसा डिजास्टर आ जाता है कि वो जंगल से जंगल जो है नीचे दब जाते हैं मिट्टी में, और फिर वो नीचे चलते चले जाते हैं, प्रकृति में लगातार चेंज होता है, इस टाइम भी चेंज हो रहा है हमेशा, कहो नदियों की डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है, कहो पहाड़ कहीं थे कहीं खत्म हो गए कहीं दोबारा बनेंगे, इस तरह से चेंजमेंट हमेशा आते हैं। अर्थ में कोई चीज स्टेबल नहीं है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है इनका। हमारे हिसाब से तो लगता है कि सब कांस्टेंट है, लेकिन अर्थ के हिसाब से सोचोगे तो ये कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। तो जब जैसे मान लो पूरा पूरा जंगल है, अब मान लो वहां पर किसी तरह की डिजास्टर हुआ, वो सब नीचे दब गए और उसमें ऊपर मिट्टी चलती गई, नॉर्मल एक दिन घर साफ नहीं करोगे तो वहां मिट्टी जम जाती है। अब सोचो हजारों साल लाखों साल की बात हो रही है, यहाँ पर नीचे मिट्टी जमती गई, ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, पूरा ऊपर जितना मटेरियल है उसका प्रेशर बढ़ता है, जितना मटेरियल ऊपर बढ़ता चला जाएगा उसका प्रेशर तो बढ़ेगा ही उस कंपाउंड पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। अब उसके बाद प्रेशर बढ़ता है तो हीट भी जनरेट होती है, और दोनों फैक्टर क्या करते हैं, उसको क्रूड ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही हाल जो है जब वो क्रूड ऑयल बनता है तो कुछ जैसे जो कुछ चीजें तो क्रूड ऑयल बन जाती है, कहीं कहीं क्या होता है कि वो बन जाता है क्या कहते हैं उसे कोयला जब नीचे बहुत ज्यादा हीट होती है उसके बाद हाई प्रेशर में, तो वो कोल बन जाता है, और जब कोल बनने लगता है तो और ज्यादा उसको प्रेशराइज कर दो तो वही चीज डायमंड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है डायमंड को, एक तो नेचुरली ये बना होता है, और यही काम हम आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं कि ग्रेफाइट वगैरह को भी हम क्या करते हैं डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई प्रेशर अगर दे दोगे तो वो इतना ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगा कि वो बन जाएगा डायमंड। तो यहां पर सब प्रेशर का खेल है, तो यहां पर भी हम ये इफेक्ट ऑफ चेंज और प्रेशर है, तो मैंने ये बता दिया कि प्रेशर का क्या रोल है। आज हमारे नीचे बहुत सारी चीजें, इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज है, वो बहुत कम है, बहुत कम बचे। क्यों? क्योंकि भैया आप कितना तुम निकालोगे, जितना नीचे भरा है उतना ही तो निकाल सकोगे, ऐसी तो कोई नीचे मशीन तो लगी नहीं कि लगातार बनाती रहेगी भाई, जो दब गया उसी को तो तुम निकाल रहे हो, अब कितना दबा है, ऐसा थोड़ी ना कि हर रोज दबता है, यहाँ तो लाखों साल पहले की बात हो रही है। जब इतना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के दौरान जब चीजें बढ़ती चली जाएंगी, प्रेशर होता चला जाएगा तो उस दौरान बनता है, इतना आसान थोड़ी ना होता क्रूड ऑयल बनाना, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है कि इसीलिए कहा गया है कि पेट्रोल डीजल और ये सब चीजें ये कम होती चली जा रही हैं, ये ज्यादा दिन के नहीं, इसीलिए बैटरी पर वर्क हो रहा है और भी ये चीजों पर वर्क हो रहा है, सोलर सेल पर वर्क हो रहा है,
अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रेशर के चेंज का क्या इफेक्ट होता है। बेटा प्रेशर होता क्या है? प्रेशर ये होता है कि जब मॉलिक्यूल, मान लो गैस है, एक पिस्टन में गैस भरी हुई, एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, अब उस गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मोशन में है और लगातार दीवारों से टकरा रहे हैं। लगातार जब दीवारों से कोलिजन होता है तो उनके बीच फ्रिक्शन लगने लगता है। फ्रिक्शन के दौरान एक तो पहली बात तो हीट भी थोड़ी बहुत मिलती है, दूसरा जो दीवार पर टक्कर होती है उससे प्रेशर जनरेट हो जाता है, इस वजह से प्रेशर होता है। लेकिन अगर हमने उस सिलेंडर के पिस्टन को अगर दबा दिया, देखो सामने फिगर दिया हुआ, अगर मैंने पिस्टन को पुश कर दिया अंदर की ओर तो कंप्रेस कर दिया, ठीक है, और कंप्रेस करने के दौरान दो बातें और ध्यान दे रहा है, कंप्रेस करना एक अलग चीज हो जाती, कंप्रेस करने के बाद ठंडा करना एक अलग चीज है। अगर तुम गैस को कंप्रेस करोगे, ध्यान रखना, गैस को अगर तुमने कंप्रेस किया, सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर, हेलो 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 माइक चेक, हेलो हेलो आवाज आ रही? यस सर। ठीक आ तो रही, तो अगर मान लो गैस को खाली कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने के दौरान गैस के मॉलिक्यूल के पास चुकी एनर्जी तो भरी हुई है और तुमने ऊपर से कंप्रेस कर दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल इतना ज्यादा मोशन में आ जाते, इतना ज्यादा टकराते हैं कि वहां का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो उस दौरान गैस तो कन्वर्ट होगी नहीं, बल्कि अंदर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, करीब बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है कि अगर कोई भी चीज अगर अंदर रखोगी वो जल भी सकती है हाई प्रेशर में। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर कंप्रेस भी करते हैं और उसको ठंडा भी करते हैं, क्योंकि जब कंप्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। तो पहली बात तो ये, यानी कि अगर गैस है और अगर हम लिक्विड के बराबर के मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस अगर हमने कर दी और साथ ही साथ उसके अंदर की एनर्जी भी खींच ली, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ये ध्यान रखना, एनर्जी को निकालना भी बहुत जरूरी है, यानी कि कंप्रेस भी करो और उसको ठंडा भी करो, तब जाके वो लिक्विफाइड हो सकता है। जो भी चीजें तुम्हें लिक्विफाई करनी है वो इस तरह से लिक्विफाई हो सकती है। ये बात क्लियर है सभी को? लेकिन ठंडा करना जरूरी है। पलक yes, संचिता जानसी हैप्पी झलक, इतना समझ में आ गया सभी को? मीटिंग अब फिर लीव कर रहे हैं, ठीक है, मैथ की क्लास तुम लोग आ जाओ अपना, ठीक है।